है ना, ऐसे इसका मतलब इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, तभी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे. एसके इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 up to के डिवाइडेड बाय के, ये है. और इफ एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर से लेके एस टेन स्क्वायर सॉरी एस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12 टाइम्स ए है, 5/12 टाइम्स ए है. तो ए की वैल्यू पता लगाना है. ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, पहला 156, बी है 301, सी है 283, डी 303. 303 क्या नंबर है, 303 इसी को बोलते थे 303. तो एस के आपको समझ में आ गया क्या, ये के 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 प्लस 1/2. देखो फॉर्मूले कैसे ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहे हैं, नया फॉर्मूला तो कुछ लिखा ही नहीं इसके अलावा, और कैसे धड़ाधड़ काम हो रहा है. ये एसके हो गया, क्या ये अपना हो गया एसके, क्या हो गया भाई एसके, के प्लस 1/2 होल स्क्वायर. अब ये कितना है अपने पास, ये देखो यहाँ पे के प्लस 1/2 होल स्क्वायर, तो एस वन, एस वन क्या बन जाएगा अपना, यहाँ वन रखेंगे तो जाएगा 2/2 होल स्क्वायर. फिर क्या बन जाएगा अपना एस टू, एस टू बन जाएगा यहाँ पे 2+1 3/2 होल स्क्वायर से लेके कहाँ तक आ जाएगा, ये 4/2 बन जाएगा, लिख देता हूँ मैं. और जिन बच्चों का आ गया है वो पेशेंस रखें और वो सोचे कि वाकई में वो कितने होशियार बच्चे हैं और वो क्या नहीं कर सकते, जेई उनके लिए कौन सी बहुत बड़ी चीज है, जेई वो एक चुटकी में निकाल सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करें थोड़ी सी कोशिश करें. अब इसमें क्या मिसिंग है बस वो देख लो, एक चीज मिसिंग है, वो मिसिंग है इसमें 1/2 होल स्क्वायर. क्यों, क्योंकि 1/2 होल स्क्वायर होगी तो क्या बन जाएगा ये आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर. तो अपन ऐसा कर देते इसको, आपकी परमिशन से मैं जोड़ देता हूँ इसमें, तो हो जाएगा ऊपर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके कहाँ तक 11 स्क्वायर, सब के अपॉन में कितना है 4 है. तो एक काम करते हैं, यहीं पे जोड़ दूं क्या मैं -1 स्क्वायर, ये आप परमिशन दो तो ये हो गया 5/12 ए. ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 3 12 नीचे का नीचे से उड़ा दो, मन को भी संतुष्टि होती है, अच्छा अच्छा लगता है. अब इधर देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो वो वाला n n+1 2n+1, तो 11 11 + 1 और कितना है 2 × 11 + 1/6, लिखना भूलना नहीं है, 6 लिखना भूलना नहीं है दोस्तों. अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करना, डरना नहीं, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी नहीं होते आप. ये 2 से उड़ा दो इसको, तो ये कितना 11 + 1 = 12 हो रहा था ना, तो 4 हो गया. अब ये 5 से कैंसिल हो रहा क्या, देख लो भाई 5 से हो रहा क्या कैंसिल, 5 से कैंसिल नहीं हो रहा, ओके बट इट शुड बी कैंसल्ड. 2 × 11 = 22 + 1 = 23, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 × अभी तो जो आ रहा वो तो लिख दें, 11 × 4 × 23 / 5 = a. अब अपन एक बार चेक कर लेते, नेवर माइंड, क्वेश्चन चेक करने में कोई बुराई नहीं होती है. एस वन एस के है 1 2 3 up to k upon k, एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर एस टेन स्क्वायर की वैल्यू है 5/12 a, ओके नो प्रॉब्लम. 1 2 3 up to k by k k + 1/2 k से k कैंसिल k + 1/2 एस वन निकालना है, ये एस के है तो 1 + 1/2, ठीक है ओके. देखा एक गड़बड़ हो गई, ये माइनस वन भूल गए थे ना, याद भी नहीं दिलाया, ये -1 राजा बाबू, ये -1 भी है यहाँ पे,
तो ये जो इतने प्रेम से धड़ाधड़ काट दिए ना, ये नहीं कहा काट सकते, तो जो जो कट रहे हैं पहले उनको काट देते हैं अपन, है ना। तो ठीक है, ये 4 से तो कैंसिल हो रहा था, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये हो गया था अपना K11, ये हो गया 11+1, ये हो जाएगा 2 × 11+1 बाय 6 तो आएगा इसके सम के फॉर्मूले में, और यहां पे आएगा माइनस वन। अगर उसको माइनस वन को नहीं लिखना है तो एलसीएम लिख सकते अपन -1 × 6 हो जाएगा, पर मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि इससे मल्टीप्लाई होके गया 5/3 a। तो अब ये 6 जो है, ये देखो ये कितना है, 11+1 कितना है 12 है, ये कितना है 6 है, 6 कॉमन लेके काट देते हैं, 6 कॉमन लेके काट दें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 11, और ये हो जाएगा 23 माइनस 6 अपन ने कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा अपने पास 1, ये 6 से 6 क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, वो 3 इधर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। अब आप देख लो इसको कैलकुलेट करके, तो ये a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, इसमें 11 6 कॉमन लिया तो × 2 भी बचेगा × 2, तो अब आपके पास आ गया 22 × 23 − 1 कर देता हूं अपन इसको कैलकुलेट। चलो बीच में एक अच्छा रेस्ट भी हो गया छोटा सा, 22 × 23 − 1 तो ये हो जाएगा आपके पास 20, ये हो गया आपके पास, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 440 + 66 हो जाएगा आपका 505 − 1 करने के बाद 505 डिवाइडेड बाय 5 101 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ओ हो क्या बात है, वही नंबर जिसका इतना ज्यादा डिस्कशन हुआ 303। तो ये 303 इसका सही आंसर था। देखो कैसे कैसे जादू से भरे क्वेश्चंस हैं, सबकी टेक्निक है, कैलकुलेशन का मास्टर बनना है आपको, प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे कैलकुलेशन आपकी उतनी बेहतरीन होती जाएगी। तो अब इसके कनेक्शन में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं जो इस टाइप के थे, मोर ऑर लेस हमने उनको किया। अब कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरह के भी हैं, जैसे उनको आगे डिस्कस करते हैं अपन, जैसे कुछ छोटे मोटे जादू से भी भरे हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। जैसे एक है कि A1, A2, AN AP में है, दे आर इन AP, और आपको वैल्यू निकालना है 1/A1 A2 1/A2 A3 1/A3 A4 ये बहुत मास्टर क्वेश्चन ये वाला, अगर ये ध्यान रख लिया तो आपको वारे ने आ रहे हैं। इसका आंसर n-1 A1 AN आता है। चलो अपन समझते कैसे आता होगा, है ना, अभी मन से बातचीत नहीं करते फालतू की। A1 A2 AN काय में AP में, तो A2 − A1 A3 − A2 A4 − A3 = AN − AN − 1 ये भी काय में होगा, ये भी AP में, सॉरी ये AP में होने के कारण इसका कॉमन डिफरेंस होगा, ये D होगा। तो हम क्या करो, इसको D से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो D से सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें आपको मालूम है ना, लिखने में ही प्राण निकल जाते हैं, तो सिग्मा लगा दो, तो D 1/D को तो ऐसे रहने दो, सिग्मा D को लिख लो यहाँ पे A2 − A1 A1 A2, फिर सेपरेट कर लो, A2 के अपॉन में लिखोगे तो A2 A2 कैंसिल हो जाएगा, 1/A1 बचेगा,
A1 के में लिखोगे तो A1 A1 उड़ जाएगा, A2 बचेगा। अब ऐसा करो, इसको खोल दो सिग्मा को, तो सिग्मा जब खोलोगे ना तो ऐसा हो जाएगा 1/D 1/A1 माइनस 1/A2 1/A3 A2, क्योंकि वो दूसरे के लिए ना, इसके लिए इसका आया है A1 माइनस A2 1/A1 1/A2, तो इसका आएगा 1/A2 माइनस 1/A3 1/A3 माइनस 1/A4 1/AN माइनस 1 माइनस 1/AN, सब कट गए। देखो कैसे कटेंगे, ये आगे पीछे से कट गए, शुरू का और आखिरी का बचेगा आपके पास 1/D 1/A1 माइनस 1/AN। अब इधर एलसीएम ले लो आप, AN माइनस A1 A1 AN। अब D तो D रहेगा, AN का वैल्यू रख दो, A1 प्लस N माइनस 1D माइनस A1, ये A1 से A1 कट गया, आखिरी में A1 AN, ये D से AD बाद में काट देना, आ गया ना N माइनस 1 A1 AN। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं मैं वो आपको और इसकी बेहतरी बताता हूँ, फिर और आगे ले चलेंगे आपको और आगे इसे स्कोप दिखाएंगे तो आपको मजा ही मजा आ जाएगा। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है 1/1 × 2, बहुत सिंपल बात है, बड़ी सिंपल है। अप टू क्या लिख दिया उन्होंने, अप टू लिख दिया उन्होंने, लिख दिया 1/10 × 11, तब क्या करोगे, तो बिल्कुल इसको इसी से करना है। इसको क्या लिख देना ऊपर, 2 − 1 3 − 2 4 − 3, अभी तो मैं लिख देता हूँ, ये कहाँ तक जा रही है सीरीज, ये 10 तक जा रही है, देखो 1 2 3 10, तो यह जाएगा 10 − 1 upon 1 × 10, 1 × 11 आएगा 11, ठीक है। अब देख लेना आप क्या आएगा, और मैंने वैसे आपको मैं बताता हूँ, देखो एक कैसे लिखोगे आप, मैं समझा देता हूँ आपको, 2 − 1 1 × 2, 3 − 2 1 × 2 × 3, ऐसे ऐसे करते ये आ जाएगा आपका 11 − 10, और यहाँ पे हो जाएगा 10 × 11। अब क्या हो गया, इसको सेपरेट किया तो 1/1 माइनस 1/2, इसको इससे 3 से 3 कैंसिल, 1/2 माइनस 1/3, ऐसे ऐसे करते 1/10 माइनस 1/11, ये सब कट गए बीच बीच के, तो बचेगा 1/1 माइनस 1/11, 10/11 आएगा, है ना, 10/11, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वॉज सेइंग 9 पर ये 10/11 है। अब इसमें कभी ऐसा हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्या हो जाता है वो बताता हूँ मैं आपको। अब उन्होंने बोल दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, क्या है इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू निकालो 1/1 × 2 1/2 × 3, ऐसे करके 1/n × n+1, तो आप वो रिजल्ट को याद भी नहीं रखेंगे तो भी एकदम आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, इसको क्या लिख सकेंगे अपन, 1/1 − 1/2, ऐसे जैसे दिखाया था करके 1/2 − 1/3, ऐसे करते आखिरी में ऐसा कर देना, ठीक, ये सब खचाखच कैंसिल हो गए। अब n की जगह इन्फिनिटी डाल देना, तो 1 − 1/∞ + 1, इन्फिनिटी समुद्र में एक बूंद पानी की ओर डाल दी, समुद्र वैसे ही है इन्फिनिटी, 1/∞ = 0, तो इसका आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन में ऐसे भी करते हैं वो भी आप समझ लो, फिर आप कहोगे नहीं कि सर ने तो बताया ही नहीं था ये। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया, और यहाँ पे कर दिया 1/1 × 3 3 × 5 5 × 7, तो इसमें क्या करना, कोई खास करने की बात नहीं है, और यहाँ लिख दिया अप टू n टर्म्स, वो भी नहीं बताया कि लिखना क्या है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कैसे करोगे 2 से, और 2 को क्या लिखोगे इस वाले केस में,
ये देखो कोरोना का सायरन सुना होगा आपने, 3-1, 1 × 3, 5-3, 3 × 5, ऐसे ऐसे करके आप सेपरेट कर देना। तो जो आपका आंसर आएगा वो मैं बोल देता हूँ, आपका आंसर आएगा 1/2 × 1, यानी 1/2। ऐसे ढेर सवाल बन सकते हैं, ये 1/3, 3/5, 1/4, 4/7, 7/9, ऐसे कुछ भी सवाल बन सकते हैं। ऐसे ही एक साइन का भी सवाल आता है, वो और अच्छा सवाल है। साइन का कैसा सवाल आता है वो मैं बताता हूँ आपको। कि a1 to an, a1 से लेके an तक काय में है, एपी में, और आपको वैल्यू निकालना किसकी है, इसकी निकालना है, साइन a1, साइन a2, साइन a2, साइन a3, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। लिख देता हूँ डायरेक्ट, बस आपको ट्रिक और आइडिया दे देता हूँ, फिर आप खुद भी तो करोगे। इसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन डी से, इसमें साइन डी से कर देना। और फिर मैं आपको सिग्मा लगा देता हूँ, बार बार लिखने का झमेला नहीं रहेगा। कोई डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में आपने लिखा था तभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वरना हम अभी डिफरेंशिएशन करते, अगला वीडियो में फिर डिफरेंशिएशन का ही बनाऊंगा, फिर उसके बाद ये आप थोड़ा बहुत करना, फिर मुझे डाउट लिखना। फिर एक नया ग्रुप भी बना सकेंगे अपन, डी को यहाँ पे लिख लेना a2 - a1, और अपनी अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करना। कोई मैं भगवान तो हूं नहीं कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपकी मैं मैक्सिमम मदद करूंगा, और मेरा फोकस एक ही चीज पे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उस पर कमांड होना, ये नहीं कि जो मुझे आते हैं उस पर कमांड होना कि तुम ये करो, तुम वो करो, फलाना करो, और फिर बाद में पता चले कि अरे कुछ काम तो बने ही नहीं। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा कमांड होना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये सेपरेट करो, या साइन ए माइनस भी लगा दिया, अब ये साइन से साइन कट जाएगा, ये कॉट बन जाएगा, तो ये बन गया 1/sin d, सिग्मा क्या बन गया, ये कॉट a1 माइनस कॉट a2। अब इसको खोल दो सिग्मा को और काट दो जो जो कट रहे हैं, 1/sin d, इसको खोल दिया कॉट a1 माइनस कॉट a2, फिर वही कॉट a2 माइनस कॉट a3, कॉट a3 माइनस कॉट a4, कॉट a4 an an, और यहां पे आ जाएगा कॉट an+1। ये सारे कट गए अपने बीच बीच के, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आगे वाले से कटते जाएंगे, शुरू का ही बच गया कॉट a1, उसको लिख दिया 1/ कॉस a1 अपॉन साइन a1, माइनस इसको लिख दिया आपने कॉस an+1 साइन an+1। अब एलसीएम ले लो, अब एलसीएम ले लो आप, तो ये आ जाएगा साइन n+1 × cos a1 माइनस कॉस an+1 × दिस, तो ये हो जाएगा, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा साइन an+1 − a1 × sin a1 sin an+1 और 1/sin d। अब an+1 की जगह फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे an+1 की जगह, an+1 का फॉर्मूला a1 + n+1 − 1 d, बस इतना लिख देना an+1 की जगह, और फिर जैसा ऑब्जेक्टिव होगा वैसा रिस्पांस देना। और इसी के साथ मेरे चैनल को मालूम ही आपको क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना कि सर फ्री में बता रहे हैं और अच्छा बता रहे हैं और काम की चीज़ बता रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आती है, ये नहीं कि जो सर को आता है या जो मुझको आता है या जो उसको आता है, ठीक है, और मन बहलाने का काम नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट।